ये धरना दो दिन का नहीं है, तीन दिन का नहीं है, ये एक महीने का धरना भी हो सकता है, ये दो महीने का धरना भी हो सकता है। और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बिजली की कीमतें कम नहीं की, आईपीपीस को लगाम नहीं दी, तनख्वाहदारों का टैक्स खत्म नहीं किया, स्लैब जो लगाया है वो खत्म नहीं किया, पेट्रोल की लेवी खत्म नहीं की, तो फिर ये धरना यहाँ भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। और आप जहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? डी चौक जाना चाहते हैं? सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे और फिर इस जाली असेंबली और हुकूमत को उनका रास्ता बंद कर देंगे। इसलिए हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। हम अपने नौजवानों को मायूसी से निकाल कर उम्मीद का पैगाम देने के लिए आए हैं।